नमस्कार, आप देख रहे हैं एनटीवी टाइम। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। नवरात्रि के अष्टमी के दिन देर रात्रि तक लोगों ने मेले का उठाया लुफ्त। बांदा जनपद के बबेरू कस्बे की मां मंडी दाई मंदिर में नवरात्रि के अष्टमी के दिन रात्रि में लोगों ने पहुंचकर मां मंडी दाई माता एवं मां दुर्गा को प्रणाम करते हुए आशीर्वाद लिया। उसके बाद बगल से दंगल मैदान पर लगे प्रदर्शनी व मेले का हजारों की संख्या में लोगों ने लुफ्त उठाया। बबेरू कस्बे के कमासीन रोड स्थित मां मट्टी दाई मंदिर का है, जहां पर नवरात्रि के अष्टमी के दिन देर रात्रि हजारों की संख्या में श्रद्धालु मंदिर स्थान पर पहुंचे और मां मंडी दाई माता के दर्शन प्राप्त कर माथा टेक कर आशीर्वाद लिया। उसके बाद रात्रि 9 बजे शंकर सिंह पटेल, पूर्व चेयरमैन सूर्यपाल सिंह यादव सहित क्षेत्र के अन्य गणमान्य जनप्रतिनिधि पहुंचकर मंगला आरती पर शामिल हुए। उसके बाद दंगल मैदान पर लगी पंडित दीनदयाल एकता विकास प्रदर्शनी पर पहुंचकर हजारों की संख्या में लोगों ने मेले का लुत्फ उठाया। मेले में बिजली झूला, जंपिंग ट्रेन, नाव, हेलीकॉप्टर झूले लगाए गए, जिसमें बच्चों ने झूला झूलकर खूब मनोरंजन किया। वहीं सुरक्षा की दृष्टि बबेरू कोतवाली प्रभारी निरीक्षक पंकज सिंह सहित भारी संख्या में पुलिस बल एवं महिला कांस्टेबल मौजूद रहे। बहुत ज्यादा क्षेत्र से, नगर से, बाहर से भीड़ है भक्तों की, और साथ साथ सभी पार्टी के प्रतिनिधि भी आ रहे हैं, नेता भी आ रहे हैं, माताओं बहनें बच्चियाँ भी खूब आ रही हैं। यहाँ तो ये मान के चलिए कि भी जो पंचमी की दिन की आरती थी तो वो पन्ना से भी, छतरपुर से भी, राजस्थान से भी, फतेहपुर से भी, हमीरपुर से भी, महारानी के चरणों में झांसी से भी, कानपुर महानगर से आज पप्पू सेंगर उद्योगपति जिनका पेट्रोल पंप है हमारे क्षेत्र मरका में, उनकी आरती हुई है। गुलाब चंद उपाध्याय, संचालक सिद्धिपीठ माँ मढ़ीदाई मंदिर बबेरू। एनटीवी टाइम, जनता की बात जनता के साथ। आहोर में 501 ध्वज दंड पूजन के साथ निकाली विराट शोभा यात्रा। आहोर कस्बे के चामुंडा माता चौक में सनातन महोत्सव समिति आहोर के तत्वाधन में पंडित चंद्रप्रकाश भौरा और पंडित दीपक ओझा द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ किया गया। ध्वज दंड पूजन महामंडलेश्वर संतोष भारती जी महाराज एवं ठाकुर द्वार के संत झूठदास जी महाराज व पूर्व सरपंच प्रफुल्ल कंवर की उपस्थिति में प्रभु श्री राम की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। विराट शोभा यात्रा चामुंडा माता चौक से पुरानी सब्जी मंडी, मुख्य बाजार, हॉस्पिटल तिराहे, निजी बस स्टैंड, जोधपुर तिराहे निकट विष्णु भगवान मंदिर में लड्डू प्रसादी के साथ विराट शोभा यात्रा का विसर्जित किया गया। इस तरह आहोर क्षेत्र का ग्राम गुट्टा बालोतान में रामनवमी पर निकाली भव्य शोभा यात्रा। एनटीवी टाइम, जनता की बात जनता के साथ। विजय राघव गढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 16 करोड़ से अधिक की लागत से होंगे विकास कार्य। खनिज प्रतिष्ठान गठित न्यास मंडल बोर्ड 22-23 की बैठक में DMF से 71% के लगभग सबसे अधिक स्वीकृत राशि प्राप्त हुई विजय राघव गढ़ विधानसभा क्षेत्र में। आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान कराए जाने वाले प्रमुख कार्य का बजट 26,88,00,000 की आय एवं 26,87,00,000 का व्यय हुआ है। चौपाटी निर्माण, नगर सौंदर्यीकरण, सार्वजनिक पार्क, गार्डन, नगर के सभी 10वीं 12वीं के स्कूलों को बच्चे जो टॉप करेंगे उनके लिए लैपटॉप के लिए, सार्वजनिक स्थलों पर हमारे स्कूल के लिए उससे लगभग 20,00,000 की राशि माननीय विधायक जी के द्वारा इस प्रतिष्ठान से दिलाई गई, जो हम लोग हमारी पूरी विधानसभा और कैमूर के लिए ये बहुत ही खुशी का विषय है कि हम ये राशि अब अपने स्कूलों में एवं अन्य जो भी मत शासन निर्धारित जी है हम उसमें खर्च कर पाएंगे। कैमूर नगर परिषद इन लाभों को किस तरीके से अर्जित करेगी और कहाँ निवेश करेगी, कुछ जानकारी दीजिए। कैमूर नगर परिषद में जो ये पैसे आए हैं 20,00,000 रुपए की राशि, वो शासकीय स्कूल खलवारा बाजार के लिए आई है, जिसमें उस स्कूल का उन्नयन होना है और उसमें अतिरिक्त कक्ष जो बनाए जाने हैं उस हेतु राशि वहाँ पे उपयोग में की जाएगी। जी। और इसी तारतम्य में भी विगत 24 तारीख को हमारी नगर परिषद का भी सालाना बजट हमारी परिषद के द्वारा पास किया गया, जिसमें हमारी नगर परिषद की टोटल जो एक वर्ष की हमने अनुमानित आय हमारी थी लगभग वो है 26,88,00,000 रुपये करीब हमारी अनुमानित आय है, और हमने लगभग 26,87,00,000 रुपए का व्यय का जो हमने एक साल का वो बनाया है, जिसमें मुख्य रूप से हमने जो कैमूर में मूलभूत सुविधाओं के रूप में विगत
25-30 वर्षों में आज तक नहीं हुआ, जैसे एक बहुत सुंदर पार्क जी, एक सिनेप्लेक्स और शिक्षा के क्षेत्र जो हमारे शासकीय स्कूल है वहाँ पर हम लोगों ने शासकीय स्कूलों में बच्चों के लिए शुद्ध पेयजल के लिए वाटर कूलर विथ आरओ वो स्थापित करने के लिए। एनटीवी टाइम, जनता की बात जनता के साथ। चोपना क्षेत्र में गुरुवार रात चोपना पुलिस को सफेद बलेरो गाड़ी से क्षेत्र में अवैध शराब परिवहन करने की सूचना पर तत्काल चोपना थाना प्रभारी को सूचना दी गई। छत्रपाल तुर्वे अपने स्टाफ के साथ गोपीनाथपुर रोड पर वाहन को धर तोबोचा एवं पुलिस को देखकर वाहन चालक अंधेरे और जंगल का फायदा उठाकर भाग खड़े हुए। चोपना पुलिस ने मौके से बलेरो वाहन सहित देशी और विदेशी शराब कुल मिलाकर 54 लीटर शराब जब्त की, जिसकी कीमत लगभग 18,000 रुपए की बताई जा रही है। एनटीवी टाइम, जनता की बात जनता के साथ। रामनवमी पर निकली ऐतिहासिक भव्य शोभा यात्रा, जनप्रतिनिधि भजनों पर जमकर थिरके, झांकियां रही आकर्षण का केंद्र। श्री राम के जन्मोत्सव रामनवमी के अवसर पर प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी राष्ट्रीय हिंदू सेना द्वारा भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। पूर्व गेंदा चौक पर महाआरती हुई, महाआरती के बाद शोभा यात्रा प्रारंभ हुई। शोभा यात्रा में डीजे और बैंड बाजे की धुन पर हजारों भक्त शामिल होकर नृत्य करते रहे। गोंदा चौक पर राम भक्तों ने सैकड़ों की संख्या में खप्पर आरती की, जिसमें प्रमुख रूप से पूर्व सांसद हेमंत खंडेलवाल, भाजपा जिला अध्यक्ष आदित्य बबला शुक्ला, नागरिक बैंक अध्यक्ष अतीत पवार ने भगवान श्री राम की आरती की, हजारों राम भक्त हुए शामिल। एनटीवी टाइम, जनता की बात जनता के साथ। सोते समय रिश्तेदार ने व्रत की डंडे लाठी से पीट कर की हत्या, मौके से हुआ फरार। बांदा जनपद की बबेरू कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत ब्योजा गाँव में बीती रात एक 65 वर्षीय व्रत की दूर के रिश्तेदार ने सोते समय डंडे से पीटकर हत्या कर दी और हत्या करने के बाद व्रत की चारपाई में आग लगाकर मौके से फरार हो गया। जब परिजनों ने देखा तो पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मृतक के परिजनों की माने तो आरोपी कई बार अपने घर में भी आगजनी जैसे घटना को अंजाम दे चुका है। थाना बबेरू के ग्राम ब्योजा में मुरलिया हरिजन, उम्र 65 वर्ष की, उसके रिश्तेदार ग्राम खोही थाना बरौधा जनपद सतना द्वारा डंडे से मार करके हत्या कर दी गई है। यह संज्ञान में आया है कि मृतक की नतनी की शादी ग्राम खोही जनपद सतना में हुई है, जहां से उक्त रिश्तेदार रज्जू उम्र 20 वर्ष कल शाम इनके घर पर आया था। खाना खाने के उपरांत दोनों पशु बाड़े में सोए थे, जहां रात्रि में करीब 12-1 बजे उक्त व्यक्ति द्वारा डंडे से मार करके उसकी हत्या कर दी गई। बताया जाता है कि अभियुक्त रज्जू मानसिक रूप से अर्धविक्षिप्त टाइप का है। इस संदर्भ में थाना बबेरू पर अभियोग पंजीकृत कर पोस्टमार्टम पंचायतनामा की कार्रवाई कराई गई है। एनटीवी टाइम, जनता की बात जनता के साथ। अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त कुलगाम शौकत अहमद राठरे ने आज यहां मिनी सचिवालय में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की जिला स्तरीय समिति की अध्यक्षता की, ताकि राज्य में नशीली दवाओं के खतरे को रोकने के संबंध में संबंधित विभागों द्वारा की गई कार्रवाई की समीक्षा की जा सके। प्रारंभ में जिला में मादक पदार्थों की अवैध तस्करी और इसके सेवन से निपटने के लिए संबंधित विभागों द्वारा किए गए उपायों के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। किए गए उपायों की समीक्षा करते हुए ATDC ने कहा कि जिला प्रशासन जिले में नशा मुक्त वातावरण बनाने के लिए केंद्रित है और प्रवर्तन एजेंसियों सहित सभी लाइन विभागों के अधिकारियों पर जोर दिया गया, ताकि ड्रग पेंडलिंग को रोकने और तोड़ने के लिए बेहतर समन्वय सुनिश्चित किया जा सके। एनटीवी टाइम, जनता की बात जनता के साथ। कुंड कुलगाम में बाजार की चेकिंग। रमजान के पवित्र महीने से पहले जिला प्रशासन कुलगाम के निर्देश पर नायब तहसीलदार कुंड मोहम्मद यूसुफ शाह ने SHO कुंड हुसैन साहिब और खाद कर्मचारियों के साथ शुक्रवार को नोबो बाजार में सघन चेकिंग की। खाद व्यवस्था संचालकों, मटन और चिकन डीलरों और अन्य दुकानदारों को सरकार का पालन करने के लिए निर्देशित किया गया। अधिकारी ने कहा कि दुकानदारों को निर्देशित किया गया कि वे अपनी दुकानों पर सरकार द्वारा अनुमोदित दर सूची प्रदर्शित करें और खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। इस बीच अधिकारियों ने जिला की आम जनता से तत्काल आवश्यक कार्रवाई के लिए आवश्यक वस्तुओं की अधिकता में लिप्त होने के मामलों को प्रशासन के ध्यान में लाने की अपील की है।